वेलकम टू कुमुद आर्ट्स। आज हम अपने सारे एक्रिलिक पेंटिंग के मटेरियल्स दिखाने जा रहे हैं, कौन कौन सा कलर हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सा ब्रश और टूल्स यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कलर्स की बात करते हैं। तो ये हमारा एक्रिलिक कलर है जो कि कैमल का है, और सारी वीडियो हमारी पहले की इसी से शूट हुई हैं, इसी का प्रयोग हम किए हैं। बहुत अच्छा कलर है। और ये ब्रेस्ट्रो का है जो कि वाइट हमारा कैमल का ख़त्म हो गया था, तो हम नया पैक मंगाए हैं इसको। और ये हमारा फेविकल का है एक्रिलिक कलर जो कि हम अभी नया मंगाए हैं, और इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो हम डाले हैं, देख लीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा कलर है, हमको बहुत पसंद आया। तो हम ट्रायल में एक पेंट मंगाए थे एक पैक, उसके बाद हमको अच्छा लगा तो हम और मंगाए। और इस तरह ये है फेबर कैसल का है जो कि पैथेलो ग्रीन है, ये भी अच्छा है। और ये हमारा स्प्रे करने वाला बॉटल है जिसको कि हम यूज़ करते हैं अपने कलर्स को स्प्रे करने के लिए, सूखने लगता है तो। और ये हमारा पैलेट है जो कि 5 का सेट मिला था हमको, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है अलग अलग शेप साइज़ का, जो कि हम अपने वीडियोज़ में यूज़ करते हैं। और ये हमारे कुछ ब्रशेस हैं, ये फ्लैट ब्रश तो हम नया मंगाए हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरत था, और ये सब पुराने ब्रशेस हैं हमारे फ्लैट ब्रश। और इस तरह कई ब्रशेस हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के, ये राउंड ब्रश हैं। और इसका हम वीडियो डालेंगे कौन कौन सा ब्रश है हमारे पास। ये फ्लैट ब्रश था, एंगुलर ब्रश था वो, और इस तरह 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 के ब्रशेस हैं। फिल्बर्ट ब्रश है ये, और ये भी राउंड ही ब्रश है, और ये फ्लैट ब्रश है, फैन ब्रश है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं घास वास बनाने में और पेड़ और बनाने में यूज़ करते हैं, अच्छा है ये भी। और इस तरह ये सब हमारे ब्रशेस हैं, और ये सब हमारे पतले पतले ब्रशेस हैं जो कि कम नंबर के हैं, कुछ ख़राब हो चले हैं, मंगाएंगे तो आप लोग अनबॉक्सिंग करेंगे देखिएगा। लाइनर ब्रश की भी ज़रूरत है हमें, हमारे पास नहीं है लाइनर ब्रश। ये मास्किंग टेप है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं वीडियोस में, ये हम पेंटिंग करते समय यूज़ करते हैं, देखे ही होंगे आप लोग। और ये मैकेनिकल पेंसिल है, ये ब्रश है जो कि स्प्रे करने में कभी कभी काम आ जाता है। ये टिश्यू पेपर भी रखते हैं हम हमेशा, और इस तरह अपने पानी रखने के लिए सब डिब्बे भी रखे हैं जो कि हम 2-3 में रखते हैं। ये पैलेट नहीं है हमारे पास तो हम बर्तन किचन में से ले लिए हैं, और ये भी लिए हैं नया जो कि यूज़ करेंगे। और इस तरह हमारे सब मटेरियल्स हैं जो कि आप लोग देखिए, इन्हीं सब से हम अपना पेंटिंग एक्रिलिक पेंटिंग करते हैं। और इसी तरह हम वाटर कलर में क्या क्या यूज़ करते हैं इसका भी वीडियो हम डालेंगे जो कि आप लोग देखिएगा। और पेंटिंग करते समय हम कौन सा कैनवस यूज़ करते हैं उसका हम वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे बिगनर्स बच्चे हैं वो पोस्टर कलर से भी कलर शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।